मैं आऊंगा जिस पर मैं मुझे एक जो है वो एक एक एक्साइटमेंट है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमने उस प्रोडक्ट तक पहुंचे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने अगले 5 मिनट मेरे साथ कनेक्ट रहना है ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। उसके बाद फिर हम अपनी अगली कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ अपनी, और स्क्रीन शेयर में मैं कहूंगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। और ये रही मेरी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टाइम टू ट्रेवल। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देखा, और ये बात दावे और यकीन के इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस कंपनी की इंटेंशंस कितनी क्लियर हैं, कितनी वाजिया हैं, वो भी आपको अंडरस्टैंड होंगी। मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ बताता चला जाऊंगा कि हो क्या रहा है। ये वेबसाइट है time2travel.biz, और अगर इससे हमें टिकट बाय करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, और इसका सारा मैकेनिज्म समझने के बाद आप इसको पहले अंडरस्टैंड करिएगा। एक तो यह है कि इस बहाने हमारी इस हवाले से ट्रेनिंग भी हो जाएगी, दूसरा इस हवाले से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि हम अपने बी लव नेटवर्क की बात करें या BFIC नेटवर्क की बात करें, बी लव टोकन की बात करें या BFIC क्वाइन की बात करें, BFI की बात करें क्वाइन की, तो हम ये देखें कि लोग यूजिबिलिटी सोचते हैं और हम यूजिबिलिटीज बना चुके हैं। लोग यूजिबिलिटी की कहानी सुनाते हैं और हम यूजिबिलिटीज बना चुके हैं। BFIC के कौन तनाजुर में देखेंगे, उसके रिगार्डिंग देखेंगे तो आपकी यूजिबिलिटीज लॉन्च होने के करीब हैं, और अगर आप बी लव के तनाजुर में देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा कि अगले 16.5 महीने तक ये वेबसाइट कहां पर होगी जहां पर आपका बी लव एक्सेप्ट हो रहा होगा। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर है, इस पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको अपना फर्स्ट फर्स्ट नेम बताना पड़ता है, लास्ट नेम बताना पड़ता है, अपना ईमेल एड्रेस बताना पड़ता है। उसके बाद आप ईमेल टाइप करेंगे, उसके बाद आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, कंट्री कोड आपके सामने आपके आईपी से लोड हो जाएगा, आपका रेफरल कोड, अगर किसी के रेफरेंस से आप आ रहे हैं उसने आपको रेफरल कोड दिया होगा, इसका बेनिफिट भी बताऊंगा, और फिर पासवर्ड आप अपना एंटर करते हैं, पासवर्ड को रीटाइप करते हैं, और फिर आप साइनअप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आपने साइनअप पे क्लिक कर दिया तो आपको OTP आएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। जो OTP आपको मिला उसको आप ईमेल से कॉपी करके यहाँ पर 6 डिजिट का OTP आप डाल देंगे। उसके बाद आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्राइवेट की को सेव करने का। कॉपी करेंगे प्राइवेट की को तब भी बटन डिसेबल रहेगा, आप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको कॉपी भी करना पड़ेगा, डाउनलोड भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें करेंगे तो ये आपने सेव किया डाउनलोड, और फिर आप इसको PDF को आपने सेव किया तो अब आपका बटन एनेबल हो गया। ये आपका बटन एनेबल हो गया। अब ये हुआ क्या है, यहाँ पे मैं रुक के बता दूं आपको कि बेसिकली आपने यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट कर लिया है। ये कभी नहीं हुआ कि प्रोडक्ट्स इस तरह से क्रिप्टो के अंदर चलें। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी कंपनी को इस तरह के आइडियाज के लिए, मैं करता हूं, आपको भी करना चाहिए। तो ये आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, या वॉलेट कह लें आप इसको, या ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है जिसकी प्राइवेट की आपको ये बता रही है कि दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। अब आपने अपने अकाउंट पे क्लिक किया, अब नाम पे क्लिक कर लें तो तब भी, और आप आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, यहां से आप अभी फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन रहेगी होटल्स बुक करने की, होम स्टे बुक करने की, कार रेंटल की और बिजनेस की, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग फ्लाइट्स का जो फीचर है, फ्लाइट्स का जो फंक्शन है उसका काम तक कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा, लॉन्चिंग जो है वो प्रॉपर आपको एक डेट बताकर की जाएगी, लेकिन अभी इस पे जब लॉन्च भी कर दिया जाएगा तो फ्लाइट से इसका आगाज होगा, इसलिए मैं फ्लाइट का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से फ्लाइट करना है, कहाँ जाना है, दुबई से कहाँ जाना है, दुबई से आपने बैंकॉक जाना है, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने सेलेक्ट किया, आप डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट को जाना है, किस डेट को आपने वापस आना है, और कितने पैसेंजर हैं, एक पैसेंजर है, दो पैसेंजर है, बच्चे साथ हैं कि नहीं है, सब करके फाइंड करेंगे। जब फाइंड करेंगे तो वो सर्च करेगा अवेलेबल फ्लाइट्स आपके लिए। अगर आप ये देखेंगे तो आपके सामने फ्लाइट्स की ऑप्शन आ रही होंगी, आपने क्लिक किया तो अब आपको नजर आ रहा है, आपको फ्लाइट नजर आ रही है कि आपने दुबई से बैंकॉक जाना है, तो आपको ये सऊदी एयरलाइन का एक फ्लाइट नजर आ रहा है, इसके जाने की डेट,
इसका रास्ते में एक स्टॉप है, उसका स्टॉप है, स्टॉप के बाद फिर दोबारा आप चलेंगे और फिर आप पहुंचेंगे। तो ये डिवाइडर आप सेंटर में देख रहे होंगे, डिवाइडर का मतलब है कि पहले वाली चार चीजें जो हैं वो एक फ्लाइट के बारे में, नीचे वाली चार चीजें जो होंगी वो दूसरी फ्लाइट के बारे में। पहले वाली फ्लाइट के दरमियान में आपने देखा होगा कि सेंटर में ये वीडियो में वो जो है वो डॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, ये रास्ते में कहीं से होकर जाएगी, कहीं आपको स्टॉप ओवर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी फ्लाइट का शेड्यूल सामने नजर आ रहा होगा आपको कि आपके पास जो है वो कैरी ऑन बैग का कितना अलाउड है और आपको चेक इन बैग का कितना वेट अलाउड है। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आपके पास आ रहा होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अब जाएंगे जी, अब आपको यहाँ पर इसके बाद इन फ्लाइट्स में से आप जिस फ्लाइट को भी चूज करते हैं उस फ्लाइट के साथ आपको वो आपकी प्राइस दिखा रहा होगा। ये देखिए आप अपनी प्राइस देख पा रहे होंगे कि आपकी प्राइस जो है वो कितनी है। अभी इस प्राइस फ्लाइट का प्राइस वो दिखा रहा था $323, और उस $323 का जो मतलब था वो ये था कि इसकी इसके अंदर इसकी जो टोटल कॉस्ट थी टैक्स एंड फीस डाल के वो आपको यहाँ दिख रही होगी, टोटल जो कॉस्ट थी वो $437 के बराबर थी। ठीक है, और ये $437 जो थे इसको आप सामने देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इनकी वैल्यू जो है वो 19.95 BFIC बनेगी, यानी आपने $437 के इक्वलेंट ये लाइव प्राइस आ रहा होगा, ये फेच होकर प्राइस आ रहा होगा जो भी प्राइस है। और यहां बता दूं कि टिकट बुक होने तक, प्राइस लॉक नहीं होगी, टिकट बुक होने तक आखिरी स्टेप तक जो भी फ्लक्चुएशन होगी वो इम्प्लीमेंट होगी बिल्कुल रियल टाइम, कोई प्राइस इसमें लॉक नहीं होगी। आपने करने में 5 मिनट लगा दिए, अगर प्राइस इंक्रीज कर गया तो आपको कम BFIs देने पड़ेंगे, अगर प्राइस का नीचे आ गया तो आपको ज्यादा BFIs देना पड़ेंगे। तो आप आखिरी मोमेंट तक आप जो है वो उसका फ्लक्चुएशन पूरा लाइफ टाइम वहां से फेच कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे आपने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और वो ये भी दिखा रहा है कि इसका रिवॉर्ड क्या आएगा। इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 15% के करीब, ये थोड़ा वेरी करेगा लेकिन इस 15% के करीब आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, आपकी जितना भी आपने BFIC पे किया है ट्रेवल करने के बाद उसका 15% आपको वापस मिल जाएगा इन शेप ऑफ BFIC। अच्छा, अब यहां पर जब आप आए तो उसने आपसे पूछा कि क्या आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, जिसका मतलब ये था कि क्या आप जो है वो ऑलरेडी यहां पर साइन अप कर चुके हैं, क्या आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे इस तरह के अकाउंट के जो हमें पे करना पड़ेंगे। राइट नाउ जो है वो यहां पर आप देख रहे हैं कि BFIC के अंदर लिखा है, लेकिन आपका जो USDB है, जो स्टेबल क्वाइन है, उसको इसके साथ लगाने के लिए काम चल रहा है, ताकि अभी जैसे अभी USDB के हवाले से बहुत ज्यादा लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है तो उनको पता लगना चाहिए कि USDB भी एक यूजिबिलिटी के साथ है। USDB भी सिर्फ एक स्टेबल क्वाइन नहीं है, हमने उसके लिए इस कंपनी ने बैकअप दिया है, 20 लाख के करीब जो BFIC हैं वो लॉक किए हैं लिक्विडिटी के तौर पे जो है वो USDB की बैक पे। तो इसलिए USDB जो है उतनी वैल्यू का USDB मार्केट में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, वो सारा कैशेबल है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन जो है जैसा कि उस दिन उमर भाई ने अनाउंस किया था कि वो तमाम प्रोडक्ट जिनमें सब्सक्रिप्शन इन्वॉल्व होगी वहां पर USDB भी लिया जाएगा। तो इसमें पेमेंट आपने किसमें करनी है, BFIC में, लेकिन जो आपका सब्सक्रिप्शन होगी जो मंथली बेस पे हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, या इवन एनुअल हो सकती है, वो आपको USDB में पे करना पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जब आएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको कितने महीने की सब्सक्रिप्शन चाहिए, चार्जेस डिफरेंट रहेंगे, ये वाले चार्जेस इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे, अभी जो आप देख पा रहे हैं इक्वलेंट टू बेसिकली उस पे होंगे USDB। अगर किसी के पास पहले से हैं उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, किसी के पास नहीं है कोई भी क्वाइन तो उसको नीचे दिख रहा है एक्सचेंज ऑन का कि वो वहां पर जाकर बाय कर सकेगा। और ये डेफिनेटली जब हमारा एक्सचेंज ऑन स्मूथ हो जाता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी शानदार चीज का उसमें इजाफा होगा। अभी मैं नेक्स्ट करता हूं तो हम क्या करेंगे कि हम प्लान चूज करते हैं कि ओके मुझे ये प्लान चाहिए। जब प्लान चूज करने का कहेंगे तो हमसे कहेगा कि आपके पास इस वक्त बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमें ऑफर देगा कि हम अपने ये DeFi की एक शक्ल है, वो हमें हमें कहेगा कि आप अपने वॉलेट में से यहाँ पैसे इंपोर्ट कर लें या यहाँ पर पैसे लोड कर लें। कैसे करेंगे, उसने हमें एड्रेस दिखा दिया हमारा कि ये आपका एड्रेस है, इस पे पैसे भेज दो। अब आपने इस एड्रेस पे पैसे भेजने हैं, आपने फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि मेटामास्क एक्सटेंशन इंस्टॉल थी, आपने एड्रेस डायरेक्ट होगी उसके साथ, आपने इस एड्रेस के ऊपर BFIC जितना भी आपने टॉप अप करना है आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल ये 100 BFIC डिपॉजिट कर लिया। जैसे ही आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे या रिवॉर्ड वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास अभी बैलेंस जीरो आ रहा है, आप एक दफा सिर्फ रिफ्रेश करेंगे, जीरो बैलेंस दिख रहा है अभी, आप रिफ्रेश करेंगे आपके पास 100 शो हो गया,
ये बैलेंस आपको नजर आ रहा है, जो आपने वहां टॉपअप किया था वो बैलेंस आपके पास यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको दिख रहा होगा कैशबैक का बैलेंस। कैशबैक का बैलेंस ये है, जब आप ट्रेवल कर जाएंगे जो बैलेंस वापस आएगा वो आपके पास यहाँ मौजूद रहेगा, जिसको आप नेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं। एक तीसरी टाइप का वॉलेट भी मौजूद है, वो ये है, बाज़ औक़ात ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन गो थ्रू नहीं हो पाती, तो उस सूरत में वो आपका क्रेडिट भी यहाँ पर बैलेंस में मौजूद रहेगा। क्रेडिट नोट बैलेंस ये भी आपके पास यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिसको आप मिला के कैशबैक बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस को और डेबिट बैलेंस को मिला के आप यूज कर सकते हैं किसी नेक्स्ट टिकट को बाय करने के लिए। और ये आपका वॉलेट एड्रेस है और साथ रेफरल कोड है, ये आपको शो होता रहेगा आपके उस पेज के ऊपर। यहाँ पर करेंसी कन्वर्टर है, कभी आपका दिल चाहे आप देखना चाहें कि यार प्राइस लग क्या रही है, मेरे पास बैलेंस कितना है और उससे मैं क्या बाय कर सकता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे BFIC और टाइप करेंगे तो आपको USD का इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। अब आप दोबारा आए, आपने दोबारा अपनी फ्लाइट पकड़ी जी, आपने बुक किया और फिर आपने जी आपने अपनी डेट सेलेक्ट की, किस डेट को जाना है, ये वही प्रोसेस जो हम पहले करके आए थे, हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। आपने सेलेक्ट किया कौन कौन जाएगा, फ्लाइट्स आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। जब आपके सामने फ्लाइट्स आ जाएंगी जी सर्च पे जी, अब आपके सामने फ्लाइट्स आ चुकी हैं, अब आपने फ्लाइट चूज करनी है। यहाँ पर आपके पास फिल्टर भी मौजूद होगा, फिल्टर ये बता रहा है आपको बेसिकली कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। अमूमी तौर पे हमें जल्दी है तो हम डायरेक्ट फ्लाइट ढूंढते हैं, अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हम कनेक्टिंग फ्लाइट ढूंढ लेते हैं। फिर हमें एयरलाइन चूज करने की ऑप्शन है, जो कि आमतौर पर नहीं मिलती, आमतौर पर ऐसा फिल्टर नहीं मिलता जहां पे आप मल्टीपल एयरलाइन चूज कर सके, लेकिन यहाँ पर फिल्टर मौजूद रहेगा जिसके जरिए आप जाने वाली एयरलाइन कोई और चूज कर सकते हैं, वापसी वाली कोई और चूज कर सकते हैं, तो आपने वो फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं अपनी बुकिंग के लिए। अब आपने सेलेक्ट किया, ये वाली डील आपको अच्छी लग रही है, आपको सारा समझ में आया कि यहाँ से जाना है और यहाँ रुकना है और उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा सफर करना है और आप इस तरह वाया सऊदी अरेबिया बैंकॉक पहुंच जाएंगे, जहां का आपने टिकट लिया है, ये एग्जाम्पल इस तरह से है। तो अब आपके पास चूंकि बैलेंस भी है, आपको प्राइस दिखा रहा है, अब आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे उसी फ्लाइट को, बैलेंस आपके पास पहले से मौजूद था, अब उसने आपसे कहा कि आपका स्टैंडर्ड टिकट इतने का बनेगा, आपको सारा प्राइस बता दिया, ओके। अब आपने एक दफा फिर उसको कंफर्म कर लिया और उसने आपको बता दिया कैशबैक आपके लिए इतना होगा, आप नेक्स्ट करेंगे। अब वो आपसे कहता है जिसने टिकट बुक किया उसका डिटेल डाल दें, तो आप टिकट बुक कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनकेस की जरूरत पड़ जाए कोई भी अपडेट करना है आपको, तो वो इस नंबर पे या इस ईमेल के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है, तो पैसेंजर है उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसके पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है, ये डिटेल्स डाल देंगे। इसे ओके टू बोर्ड भी कहते हैं आम जुबान के अंदर। तो आपने बेसिकली ये डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी कि ये बंदा पैसेंजर जो है वो सफर कर रहा होगा, उसकी जेंडर भी आपने बता दी, और इस तरह आपने पैसेंजर, अगर आपने मल्टीपल पैसेंजर चूज किए होंगे तो आपको यहाँ पर दो तीन लोगों का नाम ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। आप जितने आपने टिकट शुरू में सेलेक्ट कर लिया ना कि तीन लोगों का टिकट था, दो का था, एक का था, तो उतने पैसेंजर्स को ऐड करने की ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा देगा। अब आपने बैलेंस आपके पास था, आपने नेक्स्ट किया, आपको फ्लाइट पूरी नजर आ गई, आप देख सकते हैं। अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही आप गो बैक कर वापस जा सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, कितनी पेमेंट कट रही है, कितना मेरे पास बैलेंस पड़ा है, ये सारी चीजें, रिवॉर्ड कितना आना है, सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो सिर्फ आपने पे का बटन करना है। जब आप पे का बटन प्रेस करेंगे, दोबारा आप जी डिटेल देख सकते हैं, जब आप पे का बटन प्रेस करेंगे तो फिर आप जो है आप देखेंगे कि ये आपसे वेरिफिकेशन कराएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट फिर समझ लें, आपका आपकी एप्लीकेशन कहीं डाउनलोड थी, किसी और मोबाइल पे थी, लेकिन जब तक आप सीक्रेट की अपनी प्राइवेट की ऐड नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन, ये वाली फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सारा कुछ जो है ये ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है, हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव अपनी नवयत का बिल्कुल पहला है। तो ये आपने वॉलेट एड्रेस आपका लिखा हुआ था, आपने प्राइवेट की जहां भी कॉपी की थी वहां से वापस लेके आए, आपने पेस्ट की, ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया और ये आप पे करने के लिए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपने पे कर दिया, आपकी बुकिंग सक्सेसफुल हो गई। बुकिंग सक्सेसफुल हुई तो आपको जाना पड़ेगा अपने ईमेल के अंदर, क्योंकि वहां ईमेल के अंदर आपको एक ईमेल आई होगी टाइम टू ट्रेवल की तरफ से, जहां पर आपको पता लग रहा होगा कि आपकी इस बुकिंग की डिटेल्स क्या है। आपने ईमेल खोला और आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा कि आपका फ्लाइट जो है वो वाउचर है, याद किस डेट को आपने बुक किया है और फ्लाइट की डिटेल्स क्या है, किसके नाम से ये बुक हुई है, किस डेट को जाना, किस डेट को आना और तमाम चीजें। तो कितने पैसे आपने पे कर दिए हैं वो नजर आ रहा होगा, ठीक है, पेएबल लिखा हुआ है, लेकिन जो पेड हो चुके होंगे वो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो आई होप के अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप इसको
इस एप्लीकेशन के जरिए से किस तरीके से आप 50% डिस्काउंट आप अवेल कर पा रहे होंगे, प्लस जिसका रेफरल कोड यूज किया आपने, इंटरेस्टिंग चीज, मजेदार चीज, जिसका रेफरल कोड यूज किया है 5% कैशबैक उसको भी चला जाना है। यानी आपका टिकट 1,00,000 रुपए का बनता था फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पड़ा 85,000 का, और जिसने आपके रेफरेंस से किया था 5,000 उसको भी मिल गया, तो टोटली जो है वो 80,000 रुपए में एक्चुअली आपका ये ट्रेवल हो गया। इसमें एक चीज जाती अक्सर लोग कर जाते हैं कि रेफरल कोड भी अपना ही डाल देते हैं स्पॉन्सर का। मैं समझता हूँ स्पॉन्सर जो होता है हमेशा किसी भी नेटवर्क में किसी भी चीज में रेफरल का मतलब ही होता है कि उसको उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसका बेनिफिट खा जाते हैं, इसलिए फिर हमें भी बेनिफिट नहीं मिलता। हम किसी का हक खाते हैं तो हमारा भी खाया जाता है बाजू का, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ना खाएं ताकि हमारा भी ना खाया जाए, और हम ना खाएं हमारा खाया भी जाए तो वो जाने और उसका काम जाने, लेकिन हम किसी हक तलफी ना करें। तो इसलिए जब आपको कोई रेफर करता है उसके रेफर कोड से साइन अप करें, ना कि पहले अपनी आंटी का अकाउंट लगा लें कि चलो 5% उन्हें चला जाएगा, जिनको पता भी नहीं कि ये क्या है, और जिसने रेफर किया है, जिसने गाइड किया है, उस तक कुछ पहुंचे ना। तो इस पे आप रेफर जो भी किसी को रेफर करेगा, ये इसमें कोई नेटवर्क प्लान नहीं है, लेकिन जो भी कोई किसी को रेफर करेगा उसको 5% कैशबैक मिल जाएगा। तो इसका आपको भी ये फायदा है, आप 2, 4, 10, 20 दोस्तों को करा के रखेंगे, उनकी 1,000 लोगों को करा के रखें, जब जब कोई कोई ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली आपको उसका इंसेंटिव आ रहा होगा, एक आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बगैर किसी हर्डल के। वन टाइम गाइड किया और वेले, वन टाइम गाइड किया, अकाउंट बनवा दिया, फिर वेले, फिर वो पूरा साल कोई बाइंग करेगा आपको पैसे घर पर, आपको मैसेज ही आना है कि पैसे आए नहीं, तो आपको पता लगेगा जी फलाने से पैसे आए, आपको पता भी लग जाएगा ट्रेवल करके जा रहे हैं, उसने किसी के लिए टिकट बुक की है। तो इस तरह से ये एक बड़ी अच्छी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, ये भी अभी प्रायोरिटी पे इन दो प्रोडक्ट्स के बाद ये है, इसकी लॉन्चिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही हम बी लव नेटवर्क और एक्सचेंज ऑन के मामला को स्टेबल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये वाली फैसिलिटी जो है, ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कंपनी के साथ काम करते हुए सबसे अच्छी और सबसे मजेदार चीज ये है कि कंपनी की रिलायबिलिटी जो होती है, तो आपकी वर्थ होती है वो आप